लगभग 12 साल पहले देहदान का संकल्प लेने वाली 82 वर्षीय कोमलबाई जैन का देह उनके निधन के बाद इंडेक्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को ससम्मान सौंपा गया। मानवता की सेवा के लिए किए गए इस कार्य में इंडेक्स हॉस्पिटल और मुस्कान ग्रुप ने अग्रणी भूमिका निभाई है। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर की रहने वाली कोमलबाई जैन ने 12 वर्ष पहले देहदान का संकल्प लिया था, जिसके बाद उनका निधन होने पर पुत्र वीरेंद्र जैन और परिवार के सदस्यों द्वारा उनके पार्थिव शरीर को इंडेक्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर को ससम्मान सौंपा गया। जैन परिवार के द्वारा मानव कल्याण के लिए उठाए गए इस सराहनीय कदम के लिए इंडेक्स ग्रुप के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया, वाइस चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर G.S. पटेल ने जैन परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया। इंडेक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन श्री सुरेश सिंह भदौरिया जी के बिहाफ पे धन्यवाद देना चाहूँगी उन सब लोगों का जो देहदान का समर्थन करते हैं। श्रीमती कोमलबाई जैन जी 82 वर्षीय महिला, ये वैकुंठ धाम कॉलोनी इंदौर की निवासी थी और इन्होंने 12 वर्ष पूर्व ही अपने देहदान का निर्णय ले लिया था। आज उनके निधन पे उनके सुपुत्र श्री वीरेंद्र जैन जी ने ससम्मान उनका मृत शरीर सौंपा इंडेक्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को। श्री मयंक राज सिंह भदौरिया जी, वाइस चेयरमैन इंडेक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर G.S. पटेल सर, दोनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है जैन परिवार को और धन्यवाद भी कहा है। कहते हैं कि शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है, लेकिन अगर ये मृत्यु के बाद ये मृत शरीर किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वर्गीय कोमलबाई जैन का देहदान कर जैन परिवार ने समाज और देश में सकारात्मक मिसाल पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।